नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और हर पार्षद जीतने की तैयारियों में लगा हुआ है और ऐसे में सीएम योगी भी अपने गढ़ बस्ती से पंचायत निकाय चुनाव का अपना ही बोल गा रहे हैं। वह जनता से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को ही वोट दे। वह कह रहे हैं कि 652 सीटों पर बीजेपी को ही जिताएं, जिससे आप सबका विकास हो। सीएम ने कहा कि बस्ती मेरे लिए नई नहीं है, प्रदेश के सभी 652 नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाएगी तो शहरी सुविधा मिलेगी। और इतना ही नहीं, वही भीड़ ना जुटने से जनसभा में कुछ नाराज होते हुए दिखे सीएम योगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तय किया है कि सरकार जो बजट भेजेगा उसका एक एक पाई का हिसाब होगा। सीएम ने कहा आज अपराधी जनपद छोड़कर भाग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आप सब से ये कहना चाहता हूँ कि विकास में आप लोग सहयोग करें। प्रदेश की सभी 652 नगर निकाय इकाइयों में भी अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट गठित हो जाएगा तो फिर जनता की सामान्य जो जन सुविधाएं हैं, चाहे वह सड़क हो, चाहे वह बिजली हो, चाहे वह पानी हो, चाहे वह स्ट्रीट लाइट हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, जल निकासी की व्यवस्था हो, इस पर फिर कोई डकैती डालने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। वही साथ ही साथ सरकार के द्वारा भेजे जाने वाले एक एक पाई का हिसाब जनता को दिया जा सके, इसके लिए एक संवेदनशील बोर्ड का गठन भी नगर निकाय इकाइयों में होना आवश्यक है। वही सीएम ने सभी प्रत्याशी नगर निगम पंचायत के पक्ष से मतदान करने की अपील करी और साथ ही लोगों को विकास का विश्वास देते हुए नजर आए। और ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि आखिर सीएम योगी जो कि विकास की बात कर रहे हैं, क्या असलियत में वह विकास करेंगे या सिर्फ जीतने के लिए ही ये बातें की जा रही है। रिपोर्ट नेशन टाइम। नगर निकाय इकाइयों में भी अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट गठित हो जाएगा तो फिर जनता की सामान्य जो जन सुविधाएं हैं, चाहे वह सड़क हो, चाहे वह बिजली हो, चाहे वह पानी हो, चाहे वह स्ट्रीट लाइट हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, जल निकासी की व्यवस्था हो, इस पर फिर कोई डकैती डालने का दुस्साहस नहीं।